आज हम लोग प्लांट टर्मिनोलॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है। तो जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द पिडंकल हम कह सकते हैं, या जो पुष्पक्रम दंड के ऊपर पुष्प किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उसको हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसको हम लोग फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जो रेसमोस या असमाक्षी प्रकार का, दूसरा है साइमोस प्रकार का, और एक है मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस, और एक हम लोग और समझेंगे वो होंगे स्पेशल प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस, जिनको हम लोग विशेष प्रकार के पुष्पक्रम कह सकते हैं, जो इनसे भिन्न होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस में सबसे पहले हम इनको कैटेगराइज करेंगे रेसमोस और साइमोस में। असीमाक्षी प्रकार के वो होते हैं जिसमें जो पुष्पक्रम दंड है उसकी वृद्धि जो है वो असीमित होती है, और साइमोस में उनकी वृद्धि सीमित होती है। इसमें जो रेसमोस प्रकार का होता है, इसमें मुख्य रूप से आपको ये देखना है कि इसमें जो यंगेस्ट फ्लावर, सबसे छोटे फ्लावर्स हैं, वो सबसे टिप पर या वो सेंटर में पाए जाएंगे, और साइमोस में जो यंगेस्ट फ्लावर होता है, सबसे यंग फ्लावर जो होता है वो हमें बेस पर मिलता है। और इसमें जो असीमाक्षी में होता है, इसमें वृद्धि असीमित होती है, और ससीमाक्षी में जो पुष्पक्रम दंड की वृद्धि होती है वो सीमित होती है। अब हम लोग आते हैं, ये देख लीजिए आप डायग्राम, ये रेसमोस है। आप देख लीजिए जैसे कि मस्टर्ड में हम देखते हैं, इसमें सीमित प्रकार से फ्लावर्स जो है वो ग्रो करते जाते हैं। और साइमोस में अगर आपने देखा होगा जो ये बेला के फ्लावर्स होते हैं, उसमें बड़ी क्लियर कंडीशन हमें साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की नज़र आती है, जिसके सेंटर में एक फ्लावर होता है और साइड्स में से दो फ्लावर और निकल रहे होते हैं। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में फर्दर टाइप्स होते हैं, इसको हम लोग सिंपल रेसमोस कह सकते हैं, या कंपाउंड और रेसीम, कोरियम, अम्बल, कैपिटुलम, स्पाइक, ये फर्दर इसके टाइप्स हैं। इनको हम एक एक करके समझेंगे। सिंपल रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, सिंपल में जब पुष्पक्रम जो दंड है लंबी होती है, और इस पर जो फ्लावर्स होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं और सर्वरंथ होते हैं, जैसे मस्टर्ड का एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये कोरियम है, जिसको हम लोग समशिक भी कहते हैं। समशिक को, इसमें क्या होता है कि इसका जो पुष्पक्रम दंड जो है वो लंबा होता है, और इसके ऊपर फ्लावर्स जो हैं वो अग्रभिसारी या एक्रोपिटल क्रम में लगे होते हैं, जिसमें कि सबसे यंग जो है वो सबसे टॉप पर होगा। और इसमें क्या होता है, जो नीचे वाले पुष्प होते हैं उसके पुष्पवृंत जो होते हैं वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, जबकि जो ऊपर की तरफ फ्लावर्स होते हैं उनके वृंत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये सभी फ्लावर्स हमको एक समान स्तर पर लगे हुए नज़र आते हैं। इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है इसको हम लोग कोरियम कहते हैं। अब एक इसी से मिलता जुलता एक दूसरा आता है, जिसको हम लोग अम्बल कहते हैं, या इसको हम लोग पुष्प छत्र कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो पुष्पक्रम दंड होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है या संघनित होता है, और इसमें क्या होता है कि सभी जो पुष्प हैं उनके वृंत हमें एक ही जगह से लगे हुए नज़र आते हैं, तथा सभी फ्लावर्स हमको एक जगह एक शीर्ष पर लगे हुए नज़र आने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से ये अम्बल है जो एक छतरी का रूप ले लेता है, और ये जो है वो कोरियम है। तो इसका आप कंपैरिजन देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैपिटुलम की। ये हम विस्तार में पढ़ेंगे कैपिटुलम के बारे में, जब हम लोग फैमिली एस्टरेसी समझेंगे। अब कैपिटुलम में अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये एस्ट्रेसी फैमिली का जो इन्फ्लोरेसेंस है, इसको हम लोग कैपिटुलम या मुंडक कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो पुष्प इन्फ्लोरेसेंस का जो इसका ये पिडंकल होता है, ये चिपटा हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है, और जिसके ऊपर जो फ्लावर्स लगे होते हैं उनको हम लोग फ्लोरेट्स कहते हैं, और इसके आसपास जो ब्रैक्ट्स होते हैं इसको हम लोग इन्वोलूकर कहते हैं। और इसमें दो प्रकार के फ्लोरेट्स भी लगे हुए हो सकते हैं, या एक ही प्रकार का भी फ्लोरेट लगा हो, वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए, वो हम लोग फैमिली एस्ट्रेसी को स्टडी करते हुए देखेंगे, कि कैपिटुलम जो है इसमें जो इसका पुष्पक्रम दंड है वो एकदम चिपटा हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है, और इसके ऊपर फ्लावर्स व्यवस्थित होते हैं, जो सबसे यंग फ्लावर्स होते हैं वो सेंटर में होते हैं, जो सबसे ओल्ड फ्लावर्स होते हैं
वो इसके किनारों पर होते हैं और ये इन ब्रैक्ट्स के द्वारा घिरा हुआ होता है जिसको इन्वोलुकर ब्रैक्ट्स कहा जाता है। ये जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसमें दो प्रकार के फ्लोरेट्स हो सकते हैं, जो सेंटर वाले फ्लावर्स होते हैं वो ट्यूबुलर होते हैं और उसको हम लोग डिस्क फ्लोरेट्स कहते हैं, और जो किनारों पे होते हैं इसको लिगुलेट या रे फ्लोरेट्स कहते हैं। इनमें फर्दर और विविधता पाई जाती है जो हम लोग फैमिली को डिस्कस करते हुए स्टडी करेंगे। इसके बाद एक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसको हम लोग स्पाइक कहते हैं। स्पाइक जो होता है इसको हम लोग कणिश भी कहते हैं। इसमें जो पुष्प क्रम दंड होता है लंबा होता है और इसमें द्विलंगी और अवृंत मतलब कि ससाइल फ्लावर्स लगे होते हैं, उसको हम लोग स्पाइक कहते हैं। अब इसके बाद एक होता है जिसको हम लोग स्पैडिक्स कहते हैं। स्पैडिक्स में क्या होता है कि इसमें एक तरह का स्पाइक होता है जो कि संपूर्ण पुष्पक्रम एक रंगीन चमकदार परन से ढका रहता है, जिसको हम लोग स्पेथ कहते हैं। इस प्रकार के फ्लावर्स को हम लोग स्पैडिक्स कहते हैं। और फिर एक प्रकार का असीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम होता है जिसको हम लोग कैटकिन कहते हैं। और कैटकिन में क्या होता है कि इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो लटकते हैं, मतलब पेंडेंट प्रकार के होते हैं और इसमें एक लिंगी पुष्प होते हैं जो कि व्रंत जिनमें नहीं होता है। तो पुष्प एक लंगी होते हैं और इनमें अव्रंतीय पुष्प जो हैं वो पाए जाते हैं, उसको हम लोग कैटकिन कहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है शहतूत में ये कंडीशन पाई जाती है। इसी के बाद हम लोग बात करते हैं ये रेसमोस में जब ये ब्रांच्ड हो जाती है रेसीम, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैनिकल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसी का एक रूप है जिसमें कि जो रेसीम या जो असीमाक्ष प्रकार के, इसको यौगिक असीमाक्ष भी कहते हैं। तो कई असीमाक्षों से निर्मित जो असीमाक्षी होती है उसको हम लोग पैनिकल कहते हैं। अब ये आप लोगों ने पहले मैंने कोरियम का डायग्राम दिखाया था, और जब कोरियम कंपाउंड मतलब कई सारे कोरियम इकट्ठे होते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड कोरियम कहते हैं। इसी प्रकार से पहले आपने अम्बल देखा था, जब कई सारे अम्बल एक साथ होते हैं इसको हम लोग कंपाउंड अम्बल कहते हैं। ये मुख्य रूप से जो एपीएसी या अम्बलीफेरी फैमिली है, जो धनिये वाली फैमिली है, इसमें कंपाउंड अम्बल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। इसी प्रकार से जो स्पाइक है ये, इसको हम लोग स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स कहते हैं। जैसे हमें ये ग्रामिनी फैमिली में या वीट फैमिली में देखने को मिलेगा। तो ये हमने बात कर ली साइमोस रेसीम प्रकार की। अब हम लोग बात करते हैं साइमोक्स प्रकार के। साइम में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होती है, जो मेन फ्लावर की दंड है, वो एक पुष्प में टर्मिनेट हो जाता है और साइड से उसके लेटरली और फ्लावर्स निकलते हैं। तो इस प्रकार से सबसे ओल्ड फ्लावर या सबसे पुराना फ्लावर जो है वो मध्य में होगा और जो यंगेस्ट फ्लावर है वो नीचे की तरफ होंगे। अब इसमें भी अगर फर्दर प्रकार हो सकते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कंपाउंड में मोनोकेसियल मोनोकेसियल टाइप। अब मोनोकेसियल क्या होता है, जब पुष्पक्रम दंड के शीर्ष पर एक पुष्प होता है और उसके नीचे किसी भी सतह पर नया पुष्प निकलता है तो उसको हम लोग मोनोकेसियल कहते हैं। अब मोनोकेसियल फर्दर प्रकार का हो सकता है, जैसे इसमें हेलिकॉइड हो सकता है या ये स्कॉर्पॉइड हो सकता है। तो जो हेलिकॉइड प्रकार का होता है उसको हम लोग कुंडलिनी रूप कह सकते हैं। जब शीर्ष में जो पुष्प है वो नीचे अक्ष की ओर किसी एक ही सतह से जब निकलते हैं तो उसको हेलिकॉइड कहते हैं, और जब दोनों सतह से निकलते हैं तब उसको हम लोग स्कॉर्पॉइड या कुटिल या ऋषिचक प्रकार का मोनोकेसियल साइन कहते हैं। तो इधर एग्जांपल देख लीजिए, मोनोकेसिल में दो हैं, जब एक ही तरफ से फ्लावर्स निकल रहे हैं और ये ऐसे हाथी की सूंड की तरह मुड़ने लग जाता है तो उसको हम लोग कुंडलिनी रूप कह देते हैं, और जो जब दोनों सतह से फ्लावर्स निकलते हैं तो उसको कुटिल या ऋषिचक प्रकार का या स्कॉर्पॉइड टाइप कह सकते हैं। और डायकेसिल, जब पुष्पक्रम दंड के शीर्ष पर एक पुष्प होता है और नीचे सम्मुख रूप से दो पुष्प निकलते हैं तो उसको डायकेसियल साइन कहते हैं। और जब किसी इन्फ्लोरेसेंस पे
दोनों साइमोस रेसमोस और साइमोस दोनों प्रकार के पुष्प निकलते हैं तो उसको हम लोग मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम लोग कुछ विशेष प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में विशेष प्रकार के स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हैं। उसमें जो मेन है वो है, इसमें हमने पढ़ना है साइथियम पढ़ना है, कैपिटुलम पढ़ना है, वर्टिसिलास्टर पढ़ना है और हाइपेंथोडियम के बारे में पढ़ना है। इसमें से ये जो पुष्पक्रम है इसको हम लोग वर्टिसिलास्टर कहते हैं। ये वर्टिसिलास्टर ये फैमिली लैमिएसी में पाया जाता है या जिसको हम कह सकते हैं तुलसी फैमिली में पाया जा सकता है। ये हम फिर बाद में डिटेल में समझेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ कि ये इसमें ये मुख्य रूप से लैमिएसी या लेबिएटी फैमिली का करैक्टर है। इसमें क्या होता है कि ये विशेष प्रकार होता है, इसमें ये नोड्स और इंटरनोड्स पाई जाती हैं और नोड्स जो हैं वो बहुत पास पास होती हैं और नोड्स के ऊपर जो है वो डाइकेसिल साइड में व्यवस्थित पुष्प पाए जाते हैं और पुष्प का व्रंथ जो है वो बहुत छोटा होता है और इस प्रकार से ये एक चक्र का निर्माण कर लेते हैं जिसको हम लोग कूट चक्र कहते हैं। इसको मैं फिर बाद में समझाऊंगी। इसी प्रकार से ये जो डायग्राम है ये हाइपेंथोडियम है, ये मुख्य रूप से फाइकस वंश का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें पीपल है, बरगद है, अंजीर में ये पुष्पक्रम पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो पुष्पक्रम का दंड होता है या जो पिटंकल होता है वो मांसल हो जाता है और कुंभाकार हो जाता है और इसके शीर्ष पर एक रंध्र होता है जिसको हम लोग ओस्टियोल कहते हैं और इसमें भीतर में ऊपर की तरफ और इसके अंदर एक लिंगी पुष्प लगे होते हैं और जो ओस्टियोल होता है उसके पास मेल फ्लावर्स लगे होते हैं और नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो लगे होते हैं, तो इसको हम लोग हाइपेंथोडियम कहते हैं। इसके अलावा एक पुष्पक्रम और है जिसको हम लोग साइथियम कहते हैं। साइथियम जो है वो यूफोरबियसी फैमिली में पाया जाता है। तो जो विशेष प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस हैं जिस समय मैं फैमिली आपकी डिस्कस करूँगी, जैसे कैपिटुलम हम डिस्कस करेंगे फैमिली एस्ट्रेसी में, साइथियम यूफोरबियसी में, वर्टिसिलेस्टर या कूट चक्र हम डिस्कस करेंगे लैमिएसी फैमिली में और जो हाइपेंथोडियम है ये हम लोग, ये वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही करना है हमने क्योंकि मोरेसी फैमिली आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग इनके बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।